महाभारत इतिहास के सभी युद्धों में से सबसे भयानक और खतरनाक युद्ध माना जाता है। यह इतिहास का एकमात्र ऐसा युद्ध था जो कई सालों तक चलता रहा। इस युद्ध में कई शक्तिशाली योद्धाओं ने भाग लिया था, जिसमें से युद्ध के अंत में कुछ ही बचे थे। इस युद्ध में इतनी ज्यादा संख्या में लोग मारे गए थे कि कुरुक्षेत्र की धरती खून से लाल हो गई थी। युद्ध के समाप्ति के बाद मारे गए योद्धाओं की पत्नियों का रो रो कर बुरा हाल था। पृथ्वी पर चारों तरफ दुख का मातम छा गया था। जब भगवान कृष्ण ने योद्धाओं की पत्नियों को रोते हुए देखा तो भगवान कृष्ण ने सभी विधवाओं को गंगा नदी के तट पर इकट्ठा होने को कहा और उसके बाद भगवान कृष्ण ने अपनी दिव्य दृष्टि से उन सभी महिलाओं को उनके पतियों की आत्माओं से मिलवाया और उनके बारे में बताया कि किस तरह से वे स्वर्ग में जीवन यापन कर रहे हैं और उसके बाद भगवान कृष्ण ने उन सभी आत्माओं को फिर से स्वर्ग में भेज दिया। इन सब के बाद उन सभी महिलाओं ने भगवान कृष्ण से बहुत आग्रह किया कि उन्हें भी पति के पास स्वर्ग जाना है। उन सभी महिलाओं के बहुत आग्रह करने पर भगवान श्री कृष्ण ने उनके इस आग्रह को स्वीकार कर लिया और उन सभी को गंगा नदी में डुबकी लगाने को कहा। उसके बाद उन सभी महिलाओं ने गंगा नदी में डुबकी लगाई, जिससे उनके सभी पाप धुल गए और उसके बाद वे सभी महिलाएं स्वर्ग लोक को चली गई। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।